और अब बुलाते हैं हम उस कंटेस्टेंट को जिनकी दिल की हसरत है कि वो ये टाइटल जीत कर अपने वतन अपनी माँ के पास वापस जाएं। और जिस तरह की परफॉर्मेंसेस ये इस स्टेज पर दे रहे हैं, ऐसा महसूस होता है कि ये सपना सच भी हो सकता है। और पाकिस्तान के शेर इनको कहा जाता है। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर शंकर का शौर्य, लतीफ अली खान फ्रॉम पाकिस्तान। लतीफ, आप हैं शंकर के शौर्य, तो शंकर जी से पूछते हैं कि आप क्या कहेंगे आज लतीफ को? टिंग 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 टिंग, फाड़ दो यार। इंशाल्लाह सर। गुड लक लतीफ। गुड लक। थैंक यू। सावल मोहे मुहार, सावल मोहे मुहार।
एक मर्तबा फिर वो फीलिंग जो हमेशा इस शो में इनकी एपिसोड्स में होती है कि जब आप कहीं और पहुंच जाते हैं, आप ट्रांस में चले जाते हैं और वो सब कुछ हमें भी फील होता है। और आपकी इस काफ़ी, पाकिस्तान में काफियां कहते हैं और सूफी शायरी है और बहुत ही डेप्थ वाली शायरी, बहुत खूबसूरत, और सलामत अली खान साहब की गाई हुई है। और इसको छेड़ना, इसको हार्ट डालना, इट वॉज़ अ बिग रिस्क। एंड ऑब्वियसली हमारे मेंटर्स बताएंगे कि वो रिस्क इन्होंने जो लिया है उसमें ये कितने कामयाब हुए हैं। सलामत अली खान साहब, क्या हस्तियाँ पैदा हुई हैं। और ये जो है, ये बहुत मुश्किल एक आइटम है उनका गाया हुआ, लेकिन ये इतना पॉपुलर है कि हर वो बच्चा जो अपने मौसीकी में एक्सेल करना चाहता है वो इन लोगों की गाई हुई चीज़ों को गाता है और इसी से वो रियाज करता है। और आपका रियाज आज आपके परफॉर्मेंस में बहुत खुल के नज़र आया। वाह, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। क्या बात है यार लतीफ, ऐसा लग रहा था कि यार सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ, खत्म ही नहीं हो गाना। आपने हमें एक, मतलब एक अलग दुनिया में लेके चले गए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और बिगिनिंग का वो आलाप क्या था, वो ऊपर जाके आए ना आप 18th फ्लोर। बेटा सिंग इज किंग, क्या बात है, आउटस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच। पॉइंट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि मेंटोस ने क्या डिसाइड किया है। Nine points. Thank you so much. Thank you very much. Reality.